बाबनी थाना अंतर्गत छिंदवाड़ा रोड जनता लॉन के पीछे स्थित जटाशंकर लेआउट में तीसरे मंजिल से गिरने से नवविवाहित की मौत होने से खलबली मच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हितज्योति फाउंडेशन के संस्थापक हितेश बंसोड़ को मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि जटाशंकर लेआउट में एक महिला तीसरी मंजिल से गिर पड़ी है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही यह सूचना सावनेर थानेदार मारुति मुरुड़ को देकर पुलिस तथा हितज्योति के संस्थापक घटनास्थल पर पहुंचे। वहां महिला खून से लथपथ पड़ी दिखाई दी। इसके बाद थानेदार मारुति मुरुड़ ने हितज्योति फाउंडेशन की एम्बुलेंस से युवती को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच कर उसे मृत घोषित कर शव विच्छेदन हेतु उसे नागपुर रवाना किया। विश्वस्त सूत्रों की माने तो स्वामी नारायण मंदिर वाठोड़ा निवासी मृतक सुषमा इंगड़े की दूसरी शादी करीबन 15 दिन पहले ही 3D मल्टी स्कैन जयसवाल बिल्डिंग सावनेर में कार्यरत नरेश इंगड़े से हुई थी। तभी से वे इस घर में किराए से रह रही थी तथा आज दोपहर करीब 1 बजे के दरमियान यह हादसा घटित हुआ। पहली नजर में हादसा दिखाई देने पर उक्त घटना की जांच में कुछ ऐसे भी तथ्य उजागर हो रहे हैं जो इस घटना को हादसा मानने को तैयार ही नहीं है। तीसरी मंजिल से गिरने वाली महिला के हाथ पैर में खरोंच तथा पेट पर मार के निशान है। मृतक के कमरे में पड़े खून के धब्बे, नुकीले कांच के ग्लास पर खून के निशान आदि हादसे को हत्या की शक्ल में तब्दील करने को उतारू है। ये बात आगे की पुलिस की जांच में ही उजागर होगी कि यह हत्या थी या आत्महत्या। इस वास्ते सावनेर पुलिस ने मृतक की लाश को एक्सपर्टों की देखरेख में शव विच्छेदन हेतु नागपुर रवाना कर उपविभागीय पुलिस अधिकारी अजय चांदखेड़े के मार्गदर्शन में थानेदार मारुति मुरुड़ मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेली की रिपोर्ट।